बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सीएस 101, मॉड्यूल नंबर 161 एंड 162 स्टडी करेंगे। इन स्लाइड्स में डाटाबेस सिस्टम में द कमेंट रोलबैक प्रोटोकॉल एंड लॉकिंग। मॉड्यूल नंबर 161 है द डाटाबेस सिस्टम द कमेंट रोलबैक प्रोटोकॉल। द कमेंट स्टेटमेंट कमेंट्स द डाटाबेस चेंजिंग्स दैट वर मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शंस मेकिंग द चेंज परमानेंट। अब डाटाबेस कमेंट स्टेटमेंट क्या है, जो कमेंट्स करती है डाटाबेस चेंजेस को जो भी कर होते हैं किसी भी करंट ट्रांजेक्शन में, और क्या करते हैं उसको परमानेंट चेंज कर देती है डाटाबेस की सिचुएशन को। द पॉइंट एट विच ऑल द स्टेप्स इन अ ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द लॉग इज कॉल्ड द कमेंट पॉइंट। कमेंट पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन के स्टेप्स होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं एक सिंगल लॉग में। इस पॉइंट में क्या होता है कि जो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर तो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो ट्रांजैक्ट हुई होते हैं, अगर उनकी इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो क्या करेगा, कमेंट पॉइंट को यूज़ करते हुए उसी ट्रांजैक्शन को रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा। अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। इफ़ द प्रॉब्लम शुड अराइज बिफोर आर ट्रांजेक्शन हैज़ रीच इट्स कमेंट पॉइंट। अब क्या होगा, अगर कमेंट पॉइंट पर पहुँचने से पहले ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम अकर हो गया तो डाटा बेस क्या करेगा, फाइंड इट्सेल्फ विद अ पार्शली एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन दैट कॉन्ट बी कम्प्लीटेड। डाटा बेस क्या करेगा, फाइंड करेगा पार्शली एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन को, जो क्या होगा जो कम्प्लीट नहीं हो उस पार्शली एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करेगा। इन दिस केस द लॉ कैन बी यूज टू रोल बैक अंडू द एक्टिविटीज एक्चुअली परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन। इस केस में क्या होगा कि जो लॉग है वह यूज़ करेगा रोल बैक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ट्रांजेक्शन को। द रोल बैक स्टेटमेंट बैक आउट और कैंसिल द डाटा बेस चेंजिंग दैट आर मेड बाय द करंट ट्रांजेक्शन। रोल बैक स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या करेगी, कैंसिल कर देगी डाटा बेस के चेंज को जो चेंज मेड हुआ है किससे, करंट ट्रांजेक्शन से हुआ है, और रिस्टोर करेगी उसकी प्रीवियस स्टेट को, जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले जो डाटा की स्टेट थी, डाटा बेस की जो सी स्टेट थी उसको क्या करेगी, वो दोबारा रिस्टोर कर देगी। रोल बैक्स फॉर ट्रांजैक्शन आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। अब जो रोल बैक्स हैं ट्रांजैक्शंस के लिए वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अ केस कैडिंग अ रोल बैक अकर इन अ डाटा बेस सिस्टम वैन आ ट्रांजेक्शन टी आई कॉजेज अ फेलियर एंड अ रोल बैक मस्ट बी परफॉर्म। अब केस कैडिंग रोल बैक है नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, ये अकर तब होता है डाटा बेस में जब भी ट्रांजेक्शन T1 फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो होती है वो फेल हो जाती है, और जो फिर क्या होता है रोल बैक परफॉर्म किया जाता है, तब केस कैडिंग रोल बैक अकर होता है। अदर ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट ऑन ट्रांजेक्शन 1 T1's एक्शन मस्ट आल्सो बी रोल बैक ड्यू टू ट्रांजेक्शन वन फेलियर थस कॉजिंग अ कैस्केडिंग इफेक्ट। अब एक ट्रांजेक्शन है वो डिपेंड कर रही है ट्रांजेक्शन 1 के एक्शन पे, और फिर वो क्या कर रही है, रोल बैक्ड हो रही है किस वजह से, ट्रांजेक्शन 1 के फेलियर होने की वजह से, फिर वो क्या करेगी कैस्केडिंग की कॉजिंग पे इफेक्ट करेगी। एक ट्रांजेक्शन है वो डिपेंड कर रही है T1 एक एक्शन है उस पर क्या डिपेंड कर रही है, एक ट्रांजेक्शन डिपेंड कर रही है। अब वो क्या होगा, रोल बैक अगर कब होगा, जब वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी, T1 फेल होगा जिस पे दूसरा सेकंड ट्रांजेक्शन डिपेंड कर रही है, केस कैडिंग जो अकर होने के फिर ये उस पर भी इफेक्ट करेगी। दैट्स इट्स वन ट्रांजेक्शन फेलियर कॉज मैनी टू फेल। अब क्या होगा, अगर एक ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गई है, ठीक है, फेल हुई है, तो वो उसकी वजह से क्या होगा कि मैनी ट्रांजेक्शन वो भी कैंसिल हुए, क्योंकि वो एक ट्रांजेक्शन पे, अगर सेकंड ट्रांजेक्शन है तो वो क्या कर रही है, फर्स्ट पे डिपेंड कर रही है। मॉड्यूल नंबर 162 डेटाबेस सिस्टम लॉकिंग। इनकोरेक्ट समरी प्रॉब्लम फर्स्ट इस पे आती है। इनकोरेक्ट समरी इशू अकर व्हेन वन ट्रांजेक्शन टेक समरी ओवर द वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टेंसिंग ऑफ अ रिपीटेड डाटा आइटम। इनकोरेक्ट समरी किसी भी डेटाबेस लॉकिंग सिस्टम में क्या होती है, तब अकर होती है जब कोई भी एक ट्रांजैक्शन है वो क्या करती है, दूसरी के ऊपर, दूसरे इंस्टेंस रिपीटेड डाटा आइटम के ऊपर क्या करती है, समरी ले लेती है, टेक ओवर करती है किसी भी अदर डाटा आइटम के ऊपर, एंड सेकंड ट्रांजैक्शन अपडेट फ्यू इंस्टेंटिंग डाटा स्पेसिफिक डाटा आइटम। और फिर क्या होता है कि जो सेकंड ट्रांजैक्शन होती है वो फ्यू इंस्टेंट, मतलब कुछ टाइम के बाद, कुछ डाटा आइटम्स के बाद वो क्या होती है, अपडेट होती है। इन दैट सिचुएशन द रिजल्टिंग समरी डज नॉट रिफ्लेक्ट अ करेक्ट रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि जो रिजल्टिंग समरी है वो करेक्ट रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं करती, रिफ्लेक्ट नहीं होता उसे करेक्ट रिजल्ट। नेक्स्ट है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। अ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम अकर व्हेन टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन आर ट्राइंग टू अपडेट द सेम कॉलम ऑन द सेम रो विद इन अ डेटाबेस एट अ सेम टाइम। अब लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जब कोई दो ट्रांजेक्शन हैं, उन्होंने किया है वो सेम कॉलम में है,
सेम रो में है डेटाबेस के टेबल के अंदर, वो सेम टाइम पे क्या करना चाह रही हैं, अपडेट होना चाह रही हैं, तो वो क्या होगा, दोनों ही अपडेट नहीं होंगी, तो इससे क्या होगा, लॉस्ट अपडेट हो जाएगी और प्रॉब्लम अकर होगी। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज देन लॉस्ट एज इट सिंप्लीफाई ओवर ओवर रिटर्न बाय द सेकेंड ट्रांजेक्शन। इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो फर्स्ट की ट्रांजेक्शन थी वो लॉस हो जाएगी और वो क्या करेगा, सिंपली क्या कह सकते हैं कि वो ओवर राइट कर देगा सेकेंड ट्रांजेक्शन पे। टू गार्ड अगेंस्ट सच द इनकोरेक्ट समरी प्रॉब्लम एंड द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम दिस स्केजुलर्स इनकॉर्पोरेट्स अ लॉकिंग प्रोटोकॉल इन विच द आइटम्स विद इन अ डेटाबेस दैट आर कलेक्टिवली बीइंग यूज्ड बाय सम ट्रांजेक्शन आर मार्क्ड एज सच। अब जो प्रॉब्लम अकर हुई थी, इनकोरेक्ट समरी प्रॉब्लम थी और जो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम थी, ये दोनों कंट्रोल की जाएंगी लॉकिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, जिसमें क्या होगा कि करंटली जिनसे कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म की जाएंगी, उनको मार्क कर दिया जाएगा। दीज मार्क्स आर कॉल्ड लॉक्स। जो मार्क किया जाएगा ट्रांजेक्शन्स को जो परफॉर्म हो रहे होंगे किसी भी डाटाबेस सिस्टम में, उनके उन मार्क्स को लॉक्स कहेंगे। मार्क्ड आइटम आर सेट टू बी लॉक्ड। जो मार्क होगा वो लॉक्स होंगे और जो जिन आइटम्स को मार्क कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो लॉक्ड हो जाएंगे। अब टू टाइप्स ऑफ लॉक्स हैं, शेयर्ड लॉक एंड द एक्सक्लूसिव लॉक्स। फर्स्ट है शेयर्ड लॉक। शेयर्ड लॉक एग्जिस्ट व्हेन टू ट्रांजेक्शन आर ग्रांटेड रीड एक्सेस। शेयर्ड लॉक क्या होगा, तब एग्जिस्ट होगा जब कोई भी टू ट्रांजेक्शन हैं वो क्या होगा, रीड एक्सेस करना चाह रहे होंगे सेम टाइम पे। वन ट्रांजेक्शन गेट द शेयर लॉक ऑन डाटा एंड व्हेन द सेकेंड ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट द सेम डाटा इट आल्सो गिवन अ शेयर लॉक। अब दो ट्रांजेक्शन है वो क्या कर रही हैं, चाहती हैं कि उनको सेम टाइप ऑफ डाटा क्या हो वो चाहिए हो, तो वन फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब होगी उसको गेट होगा शेयर लॉक, जब दूसरी दूसरा डाटा है वो रिक्वेस्ट करेगा ट्रांजेक्शन की तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, शेयर लॉक उसको भी गिवन होगा। बोथ ट्रांजेक्शन आर इन रीड ओनली मोड, अपडेटिंग द डाटा इज नॉट अलाउ अंटिल द शेयर लॉक इज रीड्ड। अब दोनों एंटिटीज हैं, दोनों ट्रांजेक्शन क्या होगी, जस्ट वो रीड ओनली मोड पे होंगी, अपडेट जो डाटा करना चाह रहे होंगे कि डाटा अपडेशन हो जाए वो अलाउ नहीं होगा जब तक जो शेयर लॉक है वो रिलीज ना हो जाए, उनका डाटा अपडेट नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव लॉक। व्हेन अ स्टेटमेंट मॉडिफाइज डाटा इट्स ट्रांजेक्शन होल्ड्स एंड एक्सक्लूसिव लॉक ऑन डाटा दैट प्रिवेंट अदर ट्रांजेक्शन फॉर असेसिंग द डाटा। अब कोई भी डाटाबेस में टेबल है उसकी एंटिटीज हैं वो क्या करना चाह रही हैं, उसमें एंटिटीज में क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है डाटा की, तो वो जो ट्रांजेक्शन होगी जब कोई भी स्टेटमेंट मॉडिफाई करेगी डाटा, उस स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन पे क्या होगा, वो होल्ड कर लेगा, एक्सक्लूसिव लॉक उस पर आ जाएगा उस ट्रांजेक्शन पे, और जो डाटा होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा अदर ट्रांजेक्शन से कि अदर ट्रांजेक्शन जो है वो उस डाटा को असेस ना कर सकें, प्रिवेंट हो जाएगा, प्रिवेंट करेगा एक्सक्लूसिव लॉक अदर ट्रांजेक्शन को। दिस लॉक रिमेन इन प्लेस अंटिल द ट्रांजेक्शन होल्डिंग द लॉक इशू एज अ कमिट और रोल बैक। ये एक्सक्लूसिव लॉक क्या है, तब तक उस ट्रांजेक्शन पे होल्ड होगा जब तक जो कमिट और रोल बैक का जो लॉक इशू है वो सॉल्व ना हो जाए। टेबल लेवल लॉकिंग लोअर कंकरेंसी इन मल्टी यूज़र सिस्टम। अब क्या टेबल लेवल लॉकिंग क्या है, कंकरेंसी इसकी एक एग्जांपल है, मल्टी यूज़र सिस्टम में टेबल लेवल लॉकिंग क्या है, एक एग्जांपल है एक्सक्लूसिव लॉक की। वाउंड वेट प्रोटोकॉल। इन वाउंड वेट स्कीम इफ द ओल्डर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स विच इज हेल्ड बाय द यंगर ट्रांजेक्शन। अब क्या है वाउंड वेट प्रोटोकॉल में, अगर टू ट्रांजेक्शन हैं रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनकी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है, कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है उसने रिक्वेस्ट किया रिसोर्सेज की, वो क्या है यंगर ट्रांजेक्शन है और उस रिसोर्सेज की उसने रिक्वेस्ट किया है, जिसको ओल्डर रिसोर्स है उसने क्या की, ओल्डर ट्रांजेक्शन ने रिक्वेस्ट की रिसोर्स की, जो किसी भी यंगर ट्रांजेक्शन को क्या किया गया, हेल्ड किया गया, यूज कर द ओल्डर ट्रांजेक्शन फोर्सेस यंगर वन टू किल द ट्रांजेक्शन एंड रिलीज द रिसोर्स। वाउंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होगा कि जो ओल्डर ट्रांजेक्शन होगी वो फोर्स करेगी यंगर ट्रांजेक्शन को कि वो किल करे और रिलीज कर दे रिसोर्स को, और फिर वो उसको रिसोर्स को यूज़ कर सके जो है ओल्डर ट्रांजेक्शन। आफ्टर द मिनट डिले द यंगर ट्रांजेक्शन इज रीस्टार्टेड बट विद द सेम टाइम स्पैम। उसके बाद क्या होगा, जब फोर्स करेगी यंग ओल्ड ट्रांजेक्शन यंगर ट्रांजेक्शन को रिसोर्स के रिलीज के लिए, फिर वन मिनट डिले के बाद क्या होगा, यंगर ट्रांजेक्शन दोबारा रीस्टार्ट होगी और उसी टाइम स्टैम्प के साथ जिस टाइम पे वो स्टॉप हुई थी उससे ही नेक्स्ट सेकंड में वो क्या होगी, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम लॉकिंग के मॉड्यूल्स होते हैं कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101, मॉड्यूल नंबर 166, 164, 165 एंड 166 डिस्कस करेंगे इन स्लाइड्स में। फर्स्ट मॉड्यूल आता है सिक्वेंटल फाइल्स का, इंडेक्स फाइल, हैश फाइल्स एंड द हैश फाइल एग्जाम्पल है। मॉड्यूल नंबर 163 डेटाबेस सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्वेंटल फाइल, सिक्वेंटल फाइल्स देखते हैं क्या डेटाबेस सिस्टम है। अ सिक्वेंटल फाइल इज अ फाइल दैट इज असेस्ड इन अ सीरियल मैनर्स फ्रॉम इट बिगनिंग टू इट एंड एज थ्रू द इंफॉर्मेशन इन द फाइल वेयर अरेंज इन अ लॉन्ग रो। अब सिक्वेंटल फाइल में क्या होता है, ये एक्सेस होता है सीरियल नंबर्स का। फाइल्स जो सेव होती हैं, डाटा सेव होता है सिक्वेंटल फाइल में, वो क्या होता है, स्टार्टिंग से एंड तक एक सीरियल मैनर्स में, सीरीज की फॉर्म में सेव होता है। जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी प्रॉपर अरेंज की जाती हैं एक लॉन्ग रो की फॉर्म में। एग्जाम्पल इंक्लूड ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, फाइल कंटेनिंग प्रोग्राम एंड फाइल्स कंटेनिंग टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फाइल क्रिएटेड बाय टाइपिकल पर्सनल कंप्यूटर यूजर आर सिक्वेंटल फाइल। अब जो फाइल क्रिएट की जाते हैं किसी भी टाइपिकल पर्सनल कंप्यूटर में, वो क्या किए जाते हैं, यूजर कोई भी जब फाइल क्रिएट करता है तो वो क्या करता है, सिक्वेंटल फाइल्स में क्रिएट करता है। अब ऊपर एग्जाम्पल्स में था ऑडियो फाइल्स या वीडियो फाइल्स और फाइल कंटेनिंग प्रोग्राम्स, तो हर क्या होगी, हर एक फाइल एक प्रॉपर सीरीज की फॉर्म में सेव की जाएगी, सिक्वेंटल फॉर्म में होगी, सेपरेट होगी एक दूसरे से। द डाटा इन अ सिक्वेंटल फाइल मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मैस स्टोरेज इन सच अ वे दैट द सिक्वेंटल नेचर ऑफ द फाइल इज प्रिजर्व्ड। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है सिक्वेंटल फाइल में, वो रिकॉर्डेड होता है मैस स्टोरेज में, सिक्वेंटल नेचर होती है उस डाटा की। इफ द मैस स्टोरेज सिस्टम रिफ्लेक्ट सिक्वेंटल इन द केस ऑफ मैग्नेटिक टेप, इट इज स्ट्रेट फॉर अंडरटेकिंग। अब मैस स्टोरेज सिस्टम में क्या है, सिक्वेंटल क्या है, स्ट्रेट फॉर अंडरटेकिंग के तौर पर यूज किया जाता है। इनहेरेंट इन प्रोसेसिंग ऑफ सिक्वेंटल फाइल इज द नीड ऑफ डिटेक्ट वन द एंड ऑफ द फाइल इज रीच। अब क्या करता है, इनहेरिटिंग प्रोसेसिंग सिक्वेंटल फाइल में क्या होता है कि डिटेक्ट होता है जब भी कोई फाइल है वो रीच की जाती है एंड पॉइंट पे, तो क्या होता है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। सिक्वेंटल फाइल को नीड होता है कि वो उसको एंड पॉइंट को डिटेक्ट करे जहाँ पे फाइल रीच कर गई है। जनरली वी रेफर टू द एंड ऑफ सिक्वेंटल फाइल एज द एंड ऑफ फाइल। अब सिक्वेंटल फाइल का जो एंड है उसको क्या किसे रेफर करेंगे, शो डिनोट करवाएंगे एंड ऑफ फाइल से EOF। देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेज टू आइडेंटिफाई द EOF। अब क्या है, मल्टीपल वेज आइडेंटिफाई करने के लिए एंड ऑफ फाइल को। वन इज टू प्लेस अ स्पेशल रिकॉर्ड कॉल अ सेंटिनल एट द एंड ऑफ द फाइल। अब फर्स्ट वे कौन सी वैरायटी आइडेंटिफाई करने के लिए एंड ऑफ फाइल को, क्या प्लेस कर दें स्पेशल रिकॉर्ड को फाइल के एंड पे। अनदर इज टू यूज द इंफॉर्मेशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टरी सिस्टम टू आइडेंटिफाई द फाइल्स एंड ऑफ फाइल। फर्स्ट क्या था कि प्लेस करने किसी भी स्पेशल रिकॉर्ड को एज अ सेंटेनियल फाइल एंड ऑफ फाइल पे, और सेकंड क्या है कि यूज करें इंफॉर्मेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्टरी में से आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल EOF को। That is since the operating system know which sector contain the file is also known as where the file terminate. अब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी डायरेक्टरी यूज़ करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए एंड ऑफ फाइल को, तो इसमें क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा कि कौन सा सेक्टर कंटेन कर रहा है उस फाइल पे और कहाँ पे जो फाइल जो है वो टर्मिनेट हो रही है। मॉड्यूल नंबर 164 डेटाबेस सिस्टम इंडेक्स फाइल। प्रीवियस मॉड्यूल में क्या स्टडी किया, सिक्वेंटल फाइल में, जिसमें क्या था कि जो भी डाटा था कंप्यूटर में, यूजर जो भी डाटा स्टोर करता है वो सीक्वेंस की फॉर्म सीक्वेंटली स्टोर करता है, सीक्वेंस में स्टोर करता है। लेकिन नेक्स्ट में क्या है, 164 में स्टडी करेंगे इंडेक्स फाइल। अ सिक्वेंटल फाइल्स आर आइडियल फॉर स्टोरिंग डाटा दैट विल बी प्रोसेस्ड इन ऑर्डर इन विच द फाइल्स एंट्रीज आर स्टोर्ड। अब सिक्वेंटल में क्या होगा, उस फॉर्म में डाटा प्रोसेस होता है जिस तरह फाइल्स एंटर की जाती हैं और स्टोर की जाती हैं फाइल्स में। हाउएवर सच फाइल्स आर इन एफिशिएंट व्हेन रिकॉर्ड विद इन द फाइल्स मस्ट बी डिराइव इन एन अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर। अब सिक्वेंटल फाइल में क्या होता है कि ये एक इन फाइल्स इन एफिशिएंट है, जब भी हमने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड है फाइल है को वो कोई भी स्पेसिफिक फाइल डिराइव करनी होगी तो इसमें क्या होगा कि ये इन एफिशिएंट है, इतनी जल्दी या फास्टली क्या होगा कि वो अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर में डाटा को रिट्राइव फाइल को रिट्राइव नहीं करवा सकेंगी। इन सच सिचुएशन दैट इज नीडेड टू अवॉइड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द डिजायर लॉजिकल रिकॉर्ड क्विकली, अ पॉपुलर सोल्यूशन इज टू यूज एन इंडेक्स ऑफ द फाइल इन मच द सेम वे दैट एन इंडेक्स इन अ बुक इज यूज टू लोकेट टॉपिक्स विद इन द बुक सच एज फाइल सिस्टम इज कॉल्ड एन इंडेक्स्ड फाइल। अब इसके क्या होगा कि हमने कोई भी जब फास्टली डाटा को रिट्राइव करना, किसी भी फाइल को एफिशिएंटली रिट्राइव करना होगा अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर में, तो क्या यूज़ करेंगे, इंडेक्स फाइल को यूज़ करेंगे हम।
ये हमारे पास एक पॉपुलर सोल्यूशन है फाइंड करने के लिए अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर में किसी भी फाइल को इफेक्टिव एफिशिएंटली और इफेक्टिवली फाइंड आउट करने का। अब कि बुक के स्टार्ट में देखें कि ऐसे रैंडमली हमने कोई भी अगर फाइंड आउट करना है, कोई भी टॉपिक है हमने बुक में फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या होगा, हर एक पेज पे उसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन इंडेक्स के थ्रू क्या होगा, हम उसको डायरेक्टली इंडेक्स से ही उस टॉपिक का पेज नंबर फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे उसका पेज नंबर क्या है और फिर हम वो डायरेक्टली वही पेज ओपन करेंगे। इसी तरह क्या है, इंडेक्स फाइल के थ्रू इंडेक्स को यूज़ करेंगे किसी भी फाइल को रिट्राइव करने के लिए। An index of a file contains a list of key stored in the file along with entries indicating where the record containing each key is stored. अब index क्या होगा, contain करेगा list of files पे और ये भी बताएगा कि कहाँ कौन सी फाइल प्लेस है यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को किसी भी फाइल का। और इसमें क्या होता है, कीज़ यूज़ की जाती है इंडेक्स फाइल में रिट्राइव करने के लिए इंडेक्स को और फाइल को। Thus, to find a particular record, one find the identifying key in the index and then retrieve the blocks of information stored at the location associated with that key. अब इंडेक्स फाइल में क्या होगा, जब भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है तो वो आइडेंटिफाइंग की है इंडेक्स की, उससे क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे उस ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन को जिसमें क्या होगी, जो फाइल्स है वो स्टोर्ड है। अ फाइल इंडेक्स इज नॉर्मली स्टोर्ड एज अ सेपरेट फाइल ऑन द सेम मैच स्टोरेज डिवाइस एज अ इंडेक्स फाइल। अब जो फाइल इंडेक्स है वो नॉर्मली स्टोर किस में होगा, एज अ सेपरेट फाइल वो स्टोर होगा सेम मैच स्टोरेज डिवाइस में। द इंडेक्स इज यूजली ट्रांसफर टू मेन मेमोरी बिफोर फाइल प्रोसेसिंग बिगिंस so that it is easily accessible when access to record in the file is required. अब index में क्या होगा कि easily जब भी index को use करते हुए किसी भी file को retrieve करना है तो first क्या होगा, index transfer होगा main memory में। file की processing start होने से पहले क्या होगा, index main memory में transfer होगा, then क्या होगा उसको easily accessible होगा कि access कर सके उस record को जिसकी ज़रूरत है। मेन मेमोरी है और मैच स्टोरेज है। अब क्या होगा, मेन इंडेक्स है, इंडेक्स में जाएगा पहले, ट्रांसफर होगा मेन मेमोरी में व्हेन द इंडेक्स फाइल इज ओपन। जब भी इंडेक्स फाइल ओपन होगी तो इंडेक्स में जाएगा, मेन मेमोरीज में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इंडेक्स इज मैच स्टोरेज एज अ सेपरेट फाइल, फिर वो एज अ सेपरेट फाइल ओपन होगा और जो फाइल रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कर सकेंगे, रिट्राइव कर सकेंगे। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 165, डेटाबेस सिस्टम हैश फाइल्स आती है नेक्स्ट पे। ऑल थॉट इंडेक्स प्रोवाइड रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू एंटिटीज विद इन आर डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर, इट डज सो दैट सो एट द एक्सपेंस ऑफ इंडेक्स मेंटेनेंस। अब क्या है, इंडेक्स फाइल ने क्या किया, प्रोवाइड कर दिया क्विक एक्सेस किसी भी एंटिटीज को, जब भी कोई डाटा फाइंड आउट करना होता था तो क्या होता था, इंडेक्स के थ्रू इजीली उसको एक्सेस कर सकते थे, मेंटेन कर सकते थे इंडेक्स को यूज़ करते हुए। हैशिंग इज़ अ टेक्निक दैट प्रोवाइड सिमिलर एक्सेस विदाउट सच ओवरहेड। हैशिंग क्या है, सिमिलर टेक्निक है जो प्रोवाइड करते हैं सिमिलर एक्सेस, लेकिन क्या है, इसमें इंडेक्सेस यूज़ नहीं किए जाते। एज इन केस ऑफ एन इंडेक्स सिस्टम हैशिंग अलाउ अ रिकॉर्ड टू बी लोकेटेड बाई मीन ऑफ अ की वैल्यू। अब इंडेक्स सिस्टम में क्या होता है कि हैशिंग जो है वो अलाउ करती है रिकॉर्ड को कि वो लोकेट हो सके, मतलब की वैल्यू के थ्रू क्या हो सके, कोई भी जो रिकॉर्ड है उसको लोकेट किया जाए। Rather than looking up the key in an index, hashing identifies the location of the record directly with the from the key. अब हैशिंग क्या है, इंडेक्स में था, इंडेक्स फाइल में था कि इंडेक्स के थ्रू हम क्या करते थे, की को लुकअप करते थे और फाइंड करते थे डाटा को। हैशिंग में क्या होगा कि वो आइडेंटिफाई करेगा लोकेशन को और रिकॉर्ड को यूज डायरेक्टली यूज़ करते हुए की, मतलब की के थ्रू वो क्या करेगा, डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेगा रिकॉर्ड को और उस रिकॉर्ड की लोकेशन को। The data storage space is divided into several sections called buckets, each of which is capable to holding several records. अब क्या, data storage space जो है hash file में उसको divide कर दिया गया several section में, several section जो हैं जिसमें data storage space को divide किया है वो buckets हैं। हर एक क्या होगा, जो bucket होगी वो capable होगी कि वो hold कर सके several data को, मतलब एक bucket है उसने एक data को hold किया तो next क्या होगी, next data को hold करेगी। The records are dispersed among the buckets according to an algorithm that convert key values into bucket number. अब जो record होगा dispersed होगा buckets में use करते हुए किसी भी algorithm को, उसमें क्या होगा कि जो key value है वो convert हो जाए किसमें, bucket number में convert होगी। This conservation from key value to bucket number is called a hash function. अब जो conversion होगी key values की bucket numbers में, जिसमें क्या होगा data को hold किया हुआ उन्होंने buckets ने, जब उसने में कन्वर्ट होगी की वैल्यू बकेट नंबर में, तो कन्वर्जन जो परफॉर्म होगी वो हैशिंग हैश फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म की जाएगी। ईच रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द बकेट आइडेंटिफाई बाय दिस प्रोसेस।
हर जो रिकॉर्ड स्टोर होगा बकेट में वो आइडेंटिफाई किया जाएगा हैश फंक्शन के थ्रू। इस प्रोसेस के थ्रू अ रिकॉर्ड दैट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द स्टोरेज स्ट्रक्चर कैन बी रिट्राइव बाय फर्स्ट अप्लाइंग द हैश फंक्शन टू द रिकॉर्ड आइडेंटिफाई की डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट बकेट देन रिट्राइव द कॉन्टैक्ट ऑफ दैट बकेट एंड फाइनली सर्चिंग थ्रू द डाटा रिट्राइव फ्रॉम द डिजायर रिकॉर्ड। अब क्या होगा हैश फंक्शन में जब भी बकेट्स के थ्रू फाइंड आउट करेंगे किसी भी डाटा को तो फर्स्ट क्या करेंगे रिट्राइव करेंगे अप्लाई करेंगे हैश फंक्शन को रिकॉर्डेड आइडेंटिफाइंग की पे डिटरमाइन करने के लिए अप्रोप्रिएट बकेट को। जब बकेट क्या होगी रिट्राइव हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे जो बकेट का कंटेंट होगा उसको रिट्राइव करेंगे और फिर एट द एंड क्या होगा इस तरह जो डाटा होगा जो डिजायर रिकॉर्ड होगा उसको रिट्राइव कर लिया जाएगा। हैशिंग हैशिंग इज़ नॉट ओनली यूज एज मीन्स ऑफ रिट्राइविंग डाटा फ्राम मैस स्टोरेज बट ऑल्सो मीन्स ऑफ रिट्राइटिंग आइटम फ्राम लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डाटा स्टोर इन अ मेन मेमरी। अब हैशिंग जो यूज़ करते हैं हैश फाइल्स में इसमें इसका मतलब जैसे ये नहीं है कि जो डाटा है हमने उसको मैस स्टोरेज से रिट्राइव करा लेकिन बट इसमें क्या होता है डाटा को मैस स्टोरेज से रिट्राइव करने के अलावा क्या होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ डाटा होते हैं जो मेमरी में स्टोर होते हैं हैशिंग के थ्रू उसको भी रिट्राइव करवाया जाता है। व्हेन हैशिंग इज अप्लाइड टू अ स्टोरेज स्ट्रक्चर इन अ मैस स्टोरेज द रिजल्ट इज कॉल्ड अ हैश फाइल। जब भी हैशिंग अप्लाई की जाती है किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर पे मैस स्टोरेज के तो जो रिजल्ट होता है उसको क्या हैश फाइल कहते हैं। अब हैश टेबल क्या है व्हेन अप्लाइड टू अ स्टोरेज स्ट्रक्चर विद इन अ मेन मेमरी। जब भी हैशिंग फंक्शन अप्लाई किया जाएगा किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर की मेन मेमरी में उससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा उसको रिजल्ट को कहेंगे हैश टेबल्स। मॉड्यूल नंबर 166 है हैश फाइल्स की एग्जांपल्स। लेट अस अप्लाई द हैशिंग टेक्निक टू द क्लासिक एम्प्लॉय फाइल्स इन विच ईच रिकॉर्ड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एम्प्लॉय इन अ कंपनी। अब हैशिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे किसी भी क्लासिक एम्प्लॉय फाइल के जिसमें फाइल में क्या है उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन जो है वो सेव है कंपनी के जितने भी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय है उसकी इंफॉर्मेशन सेव है उस पर क्या करेंगे हैशिंग टेक्निक को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी इस्टेब्लिश अ सेवरल अवेलेबल एरियाज ऑफ मैस स्टोरेज दैट विल प्ले द रोल ऑफ बकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि इस्टेब्लिश करेंगे मैस स्टोरेज एरियाज को जो बकेट्स का रोल प्ले करेंगे जिसमें क्या होगा डाटा स्टोर किया जाएगा। द नंबर ऑफ बकेट एंड द साइज ऑफ ईच बकेट्स आर डिजाइन डिसीजन दैट वी विल कंसिडर लेटर। अब क्या होगा जो बकेट का साइज होगा और जो डिज़ाइन किया जाएगा उसको फर्दर स्टडी करेंगे। For now, let us assume that we have created 41 buckets, which we refer to buckets number 0, bucket number 1 through bucket number 40. अब 41 buckets हैं हमने ठीक है जब arrays में देखा है पहले भी पढ़ा है कि जब arrays में store करते हैं किसी भी data को computer में जितना data store होता है वो किसमें हर एक array में होता है array की जो numbering या indexes हैं वो start होता है 0 से। अब 41 buckets थी वो create की तो buckets का जो number है वो start होगा 0 से और end होगा 40 पे। अब एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर्स है एम्प्लॉय का डाटा क्या करना है रिट्राइव करना है व्यू करना है यूज़ करते हुए बकेट के फर्स्ट क्या करेंगे यूज़ करेंगे की फील्ड वैल्यू को वो आ गई हमारे पास 25X3Z आ गई ठीक है हैश की वैल्यू आ गई। अब टोटल हमारे पास बकेट्स कितनी हैं 41 जिनकी नंबरिंग है 0 से लेकर 40 तक। ASCII रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी 25X3Z। अब ये ASCII कोड में आ गया बाइनरी कोड में ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग मॉड्यूल्स में स्टडी किया है कन्वर्जन हेक्साडेसिमल फंक्शन और कैसे X और Z इनको कन्वर्ट जब करना है ये सारा कुछ आ गया ASCII रिप्रेजेंटेशन 25X3Z की रिप्रेजेंटेशन आ गई। फिर इसको क्या करेंगे जो हमारे पास ASCII रिप्रेजेंटेशन है उसको कन्वर्ट किया बेस 10 की वैल्यूज़ में। अब बेस 10 की वैल्यू में जो आए वैल्यू उसको क्या किया रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडेड बाय 41 के साथ जब उसको डिवाइड किया तो क्या है रिमाइंडर 3 आ गया हमारे पास। अब बकेट नंबर क्या मतलब जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड है जिसको हमने फाइंड आउट करना है यूज़ किया की वैल्यू को 25X3Z को और बकेट्स थी 41 जब हमने उसका सोल्यूशन निकाला मेन मेमोरी को यूज़ किया कन्वर्जन की उसकी तो जब हमारे पास आया कि जो एम्प्लॉय का डाटा है वो रिकॉर्ड किस में सेव है बकेट नंबर 3 में। यहाँ होता है फाइल्स के मॉड्यूल्स कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।